ऐसा है कि आज हम जो है डीओ साहब के पास ये कहने आए थे कि भाई त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है और सैंपलिंग अब शुरू हो जाएगी। हम व्यापार मंडल जो है मिलावटखोरी का पहले से ही विरोध करते आए और अब भी विरोध करते हैं। हमारा सिर्फ कहना, उनको सुझाव देना ये था कि आप सैंपलिंग साल भर कीजिए। त्योहारों के टाइम पे आप कई बार सैंपलिंग करते हैं तो क्या साल भर जो है उस पर सैंपलिंग अगर नहीं होगी, मिलावटखोरी अगर करेगा व्यापारी, तो उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब आप जाएँ, जहाँ भी जाएँ, हमें मत बता के जहाँ कहाँ जाना है, लेकिन जिस बाज़ार में पहुँचें तो वहाँ पे व्यापार मंडलों को सूचित कर दें, जिससे कि व्यापारी वर्ग विरोध ना करें और व्यापारी ये भी ना समझे कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है। तो साहब ने इस बात का भरोसा दिया है कि जिस व्यापार, जहाँ भी जो बाज़ार में जाएंगी इनकी टीम जाएगी, तो वहाँ के हम लोगों को व्यापार मंडल को सूचित किया जाएगा। वहाँ के उस व्यापारी के, व्यापार मंडल के दो व्यापारी उसके साथ जाएंगे सैंपलिंग के लिए, जिससे कि व्यापारी को उत्पीड़न भी महसूस ना हो। तो हमारा सिर्फ कहना यही है। और तीसरी बात, दूसरी बात हमने ये भी कहने कही है साहब से कि जो भी सैंपल भरे जाएं, क्योंकि व्यापारी को भी जानकारी नहीं है, एक क्लॉज ये भी है कि जो सैंपल भरा जाएगा व्यापारी अपना सैंपल खुद भी भिजवा सकता है। तो क्योंकि लोग आरोप लगाते हैं, व्यापारी आरोप लगाता है कि साहब हमारे सैंपल जो है जबरदस्ती फेल कर दिए गए, तो इसके लिए ये दुविधा ख़त्म हो, एक व्यापारी अपने पैसों पर सैंपल भेजे, जिससे कि उसको पता रहे कि हाँ मेरा सैंपल पास हुआ या फेल हुआ। ये व्यापारियों को जानकारी देना आवश्यक है। तीसरी चीज़, एक जो है साहब ने हमसे ये कहा है कि शीघ्र नवदुर्गों के बाद एक कैंप लगाएंगे, जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं फूड विभाग में, उनके लिए साहब एक हमारे साथ मिलकर व्यापार मंडल के साथ एक कैंप लगाएंगे। मेन कौन से भाई? ऐसा श्यामक आप लोग खोल करके आएंगे? ठीक श्यामक आप लोग खोल करके आएंगे। मीटिंग करना हो, नहीं मीटिंग कर लो, उसने कहा मीटिंग करने के लिए।